आप संसार में रहते हैं, हर कार्य करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, बातें करते हैं, सबकी कर सब कुछ करते हैं, लेकिन आपका एहसास जो है निरंकार में, वो आपको ये महसूस होता है मैं निरंकार के अंदर हूँ। आपको महसूस होना चाहिए निरंकार तो आपके अंदर है ही है, ये तो पहले भी था, अभी भी है, हमेशा रहता ही है, लेकिन आपको महसूस होना चाहिए मैं निरंकार प्रभु के अंदर हूँ, मैं परमात्मा के अंदर हूँ, आपको एहसास होना चाहिए। अच्छा, तो फिर सर जी मैं एक बस आपसे एक बात जानना चाहूँगा, अगर मैं उड़िया भाषा में जो लिखा गया है मालिका ग्रंथ, पवित्र मालिका की मैं बात करूँ, आज से लगभग 500-600 साल पहले 5 महान संतों ने लिखे थे मालिका ग्रंथ, उसमें लिखा गया था कि कलयुग के अंतिम कालखंड में क्या विचित्र घटनाएं जो हमें देखने को मिलेंगे और सब कुछ प्रकृति के विपरीत होगा, ऐसा ऐसा घटनाएं घटेंगे जिसका वर्णन वो करते करते बोले कि हमारा हाथ जो है रुक जाता है यहाँ पर, ऐसा ऐसा विचित्र घटनाएं घटने लगेंगे और ऐसा भी घटनाएं घटेंगे ये आंखें कभी देखा नहीं होगा, ये कान कभी सुना नहीं होगा, ये जुबान कभी बोला नहीं होगा, तो इस बारे में मिशन का क्या ख्याल है? देखिए दास, बहुत सारे अभी भी बहुत है दुनिया में जी, अभी बहुत सारे तपस्या करते हैं, रिद्धि सिद्धि करते हैं, उनको रिद्धि सिद्धि के माध्यम से बहुत जो है कि शक्तियाँ आ जाती है, वो शक्ति के बलबूते पे वो बहुत कुछ जानना लग जाते हैं। दास इसके बारे में कहेगा नहीं, क्यों इसके बारे में दास को नॉलेज नहीं है, और जो महात्मा आए हैं, जो पंचसखा आए हैं आप बता रहे हैं, उस समय देखिए उनका लिंक जो है परमात्मा से था, बिल्कुल वो आठों पर जो है कि वो परमात्मा की तरफ से संसार की तरफ से आए थे, बना एक ही जीवन में इतने सारे ग्रंथों के रचना करना, आप देखिए मामूली बात तो नहीं है, उन्होंने संसार में आके क्यों उनके अंदर दैवी गुण था, दैवी शक्ति था, उन्होंने जो भी कर्म भी किए संसार में, प्रचार किए अपने जो है कि कर्म द्वारा, और उन्होंने जो है ग्रंथ भी लिखे गए, उन्होंने लिखे, उन्होंने माने, उन्होंने कर्म में ढाले, उन्होंने लिखे, लेकिन उस चीज को अगर हम मानेंगे तो भी हमारे पे ऐसी शक्ति आएगी, हमारे पे ऐसे गुण आएगी, या हम भी उसी रास्ता पे चलेंगे, हम खाली सुनने से नहीं आएगा, सुन की कर्म में ढालना जरूरी होता है। बिल्कुल, आप ये देखिए, ये तो अगर आप मालिका ग्रंथ कितना भी पढ़ लीजिए उसमें अच्छा चीज बहुत है, सारे चीज अच्छा है, जिन्होंने जो भी लिखे संसार के लिए लिखे, हम जैसे इंसान के लिए लिखे और हमारी इंसान के जो रास्ता मार्ग दर्शाने के लिए लिखे, अगर हम खाली पढ़ते रहेंगे उसमें ज्ञान की बात भी होगा, दास तो पढ़ा नहीं कोई किताब, उसमें ज्ञान की बात यही होगा, जैसे देखिए हम गीता पढ़ते हैं, गीता में ज्ञान की बात है, श्री कृष्ण भगवान जब अर्जुन को ज्ञान दिए थे कुरुक्षेत्र मैदान में, जब ज्ञान दिए थे तो श्री कृष्ण भगवान तो पहले बोल नहीं, श्री कृष्ण भगवान को राजी नहीं हो रहे थे महाभारत में लड़ने के लिए, ये सारे मेरे हैं अपने हैं, तो अब जब उनको समझे, हाँ आपको पता है दास तो इसमें ज़्यादा क्यों, आपको ये सारा स्टोरी पता है, आपको आप इसी के माध्यम से गति करते हैं, लेकिन दास यही कहेगा आखिर में जब उन्होंने ज्ञान लिया श्री कृष्ण भगवान से, फिर उनको पता चला परमात्मा क्या है, श्री कृष्ण वास्तविक शरीर नहीं थे, वो तो शरीर में आए थे, क्यों आप अगर शरीर में अगर वो नहीं आएंगे आपको बताएंगे कैसे परमात्मा के बारे में, अगर आपको इस शून्य से या कहीं पेड़ पौधे से आवाज़ आए मैं परमात्मा हूँ, आप डर के भाग जाएंगे, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आया, भूत है, प्रेत है, शैतान है, आप ऐसा करेंगे, कोई भी माध्यम से, लेकिन परमात्मा भक्त को बचाने के लिए अवतार लिए, हाँ खुद अवतार ले कि संसार में आते हैं जी, जी, जी। स्वयं परमात्मा शरीर धारण करके आना पड़ता है उनको, जब आप उसमें भी लिखे हैं गीता में, जब जब पाप की भारा बढ़ जाता है, धर्म की हानि लगना, धर्म क्या चीज होता है, जो हम धारण जो है गलत चीज को धारण करके चलते हैं, गलत चीज को दो सही चीज छोड़ते जाते हैं, गलत चीज को धारण करेंगे तो सारे ही गलत रास्ते पे चलेंगे, अगर सही परमात्मा के रास्ता बताए हुए रास्ते पे, सदगुरु के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो संसार में सही चीज फैलेगा, क्यों संसार में सारे सुखी हो जाएंगे। देखिए प्रेम एक चीज है ना, दास कहेगा देखिए जब पेड़ पे फल लगता है ना, वो पेड़ अपने आप झुक जाता है, उसको झुकना नहीं पड़ता है, वो अपने आप, क्यों फल भरा वृक्ष, जब आपके अंदर गुण आ जाता है ना, आप अपने आप जो है कि साइलेंट हो जाते हैं, आपको ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं, आपकी गुण जो है, गुण जो बोलते हैं सतगुण, प्यार, प्रीति, नम्रता, आपका जो सदाचार है,
ये जिस संसार में विचरण करते हैं सबके साथ जो व्यवहार है वो आपकी पब्लिसिटी है, वो आपका गुण, लोग आकर्षित होते हैं उसके लिए। इसके अंदर ऐसा गुण आया कैसे? बिल्कुल, ये सब दैवी गुण है। जब आप परमात्मा को धारण करने लगते हैं ना, क्योंकि परमात्मा विशाल है, परमात्मा दैवी गुण से भरपूर है। सही बात है, सही। परमात्मा के गुण आपके अंदर प्रवेश करने लगता है। कोई वहां पर ऐसा नहीं बोलता है कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। हाँ, वो बोलते हैं कि इसके पास इतना दैवी गुण कहाँ से आया। कहाँ से आया? सही बात है। देखिए माया के साथ तो हम जुड़ते, एक बात कहेगा दास, धनी लोग भी अगर हम चाहें कि खाली धनी लोग भक्ति कर सकते हैं, गरीब लोग भक्ति नहीं कर सकते। नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। आप जानते हैं दासिया बावरी भी हमारे हैं और भगत विदुर भी हैं, सालबेग हैं, जितना भी है भक्त ज्यादा गरीबी हुए दास। देखा आज तो देखिए धनी लोग जो है ना वो भक्ति को समझ रहे हैं और वो यही चाहते हैं कि हम धन से सेवा करने के लिए, तन मन धन, ये तीनों सेवा जो है ना सबसे ऊंची कहलाता है। तन से सेवा, शारीरिक सेवा, जो आप कहीं लंगर लग रहा है, आप लंगर पका रहे, मतलब प्रसाद बना रहे, लोगों को खिला रहे, वो आपकी शारीरिक सेवा। उसमें धन लग रहा है, आप धन भी दे रहे हैं, कई लंग खरीद रहे हैं प्रसाद, जो भी सामग्री है वो खरीद रहे हैं, वो भी धन की सेवा। मन की सेवा, ये मन की सेवा है आपकी, आपकी मन परमात्मा में है, आप परमात्मा की बातें हो रहा है, ये मन की सेवा है आपकी। क्यों? परमात्मा की कृपा से हम यहाँ बैठे हैं, इसकी चर्चा हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूँगा, हिंदुस्तान में तो मिशन काफ़ी सक्रिय तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अगर मैं पूरे विश्व की बात करूँ, हिंदुस्तान के बाहर भी कई सारे देशों में भी काफ़ी सक्रिय रूप से मिशन काम कर रहा है, ये कैसे संभव हुआ? दास कहेगा क्यों, हमारे सतगुरु महादेव जो है ना, हमारे पहले बाबा गुरुवचन सिंह जी थे जी, उनके टाइम में विदेशों में भी प्रचार हो गया था जी, और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जो थे तो उनके टाइम में तो बहुत जगह, मतलब सारे लगभग बहुत सारे कंट्रियों में, शायद कई एक आधा नहीं होगा। अच्छा, दास को लगभग सारे कई कंट्रियों में तो भवन भी बन गया सब, टोरंटो वगैरह, इंग्लैंड वगैरह, ये सब हो रहा है। और अभी माताजी जो है NYS जो नौजवान जो है उनको उत्साहित करते हैं भक्ति में आने के लिए। लोग कहते हैं ना कि नौजवान, मतलब आप अगली बात करें, नहीं नहीं, नौजवान देखिए, ये निरंकारी मिशन का भगत जो होता है ना, जो सेवादल महात्मा है, वो आर्मी के लिए भी जा सकता है, क्यों, उनको पूरा ट्रेंड किया जाता है, पैरेड वगैरह करा सिखाते हैं आर्मी में, जैसे उनकी शारीरिक फिटनेस ऐसा ही बनाया जाता है। अब देखिए हमारा एक सेवा, जब हमारा समागम होता है वार्षिक समागम, वहाँ जो है कि एक सेवादल रैली होता है, कभी दास दिखाएगा आपको यूट्यूब में जी, हाँ, जी बिल्कुल, बिल्कुल। सेवादल रैली, उसमें जो PT पैरेड लाइव के कार्यक्रम तो हर रोज आता रहता है, कभी कभी मौका मिलता है, कमांड, जैसे मिलिट्री का कमांड, कमांडर का कमांड आता है, ऐसे कमांडर है जो सेवादल के संचालक महात्मा है, उनके कमांड पे सेवादल चलता है और PT पैरेड होता है फिटनेस के लिए। देखिए शरीर फिटनेस जो है ना, फिट शरीर को हम फिट करेंगे तभी तो हम सेवा सत्संग सिमरण कर पाएंगे। हमारे शरीर बीमार रहेगा, हमारा मन जाके हमेशा वही बीमारी में फंसेगा। अगर हम सुस्त हैं तो सारा कार्य जो है कि हमारा सहज में चलता रहेगा। बाकी मतलब मिशन में जब कोई जाता है तो मतलब पहले कोई शपथ कुछ लेना पड़ता है, ऐसा कुछ है ना? ऐसा कोई शपथ नहीं, कोई आपको प्रोमिस नहीं, इतना है सिर्फ है पंच प्रण है, पंच प्राण जो है, दास पहले भी बताया था, अभी भी थोड़ा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला प्राण जो है तन मन धन, ईश्वर का देन है, इन्हें ईश्वर का देन ही मानना। अच्छा, हाँ, शरीर मन धन जो ईश्वर का, ये ईश्वर ही हमें दिए हैं। हम जब आए हैं मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर हमें कौन दिया? मनुष्य जन्म जो है, जन्म ये जोनी में आए हमें, मनुष्य जोनी जो है हमारे को ईश्वर ही दिए, और संसार में आने के बाद हमारे को सब कुछ मिला। धन, धन हम साथ में लेके आए थे? नहीं नहीं, शरीर का बढ़ोतरी हम क्या बड़ा शरीर लेके आए थे? नहीं, मन में जो बुद्धि आया, जो परमात्मा के विचार आया, तो हम क्या साथ में लेके आए थे? नहीं आए थे। ये तन मन धन सब ईश्वर ने दिया है, और दास भी यही कोशिश में रहता है कि सच्चे पातशाह कृपा करे, सदगुरु हमारे कृपा करे, निरंकार प्रभु कृपा करे कि हम इसके जो सदगुरु के सिखलाई के मार्ग पे चले
और दास दास तो यही कहेगा अगर आप आगे कुछ डिस्कस करें। नहीं नहीं नहीं, मैं बस, तो बस, नहीं बस 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 लास्ट में एक सवाल है, उसके बाद हम स्टॉप करेंगे। हमारे जो भक्त हैं आपको देख रहे हैं, हिंदुस्तान के हर एक कोने से आपको देख रहे हैं हमारे भक्त, तो खास करके जो मालिका भक्त हैं उनके लिए क्या रहेगा आपका संदेश? देखिए दास तो यही कहेगा, मालिका भक्त किताब में जरूर लिखा होगा परमात्मा के बारे में, ऐसा नहीं है, जितने भी ग्रंथ आपके लिखे हुए हैं ना सबके अंदर ये परमात्मा के बारे में लिखा है जी, और जी, परमात्मा के बारे में लिखा है, परमात्मा को पाने के लिए लिखा होगा, परमात्मा को खाली चर्चा करने के लिए नहीं लिखा होगा। जिन्होंने लिखा है उन्होंने पा के लिखा है, उन्होंने जान के लिखा है, उन्होंने इसका एहसास में बैठ के ग्रंथ लिखा है। वो कभी ऐसा नहीं है कोई इंसान बैठे परमात्मा के बारे में चर्चा नहीं कर सकता, उसके अंदर जब परमात्मा खुद बैठेगा तो उसके भावना जो है परिवर्तन होगा, तो भावना उसकी जो है कि तब्दीली होगा, भक्ति भावना आएगा तो लिख सकता है। और भक्त जितना भी है दास यही कहेगा, जो भी ग्रंथ में लिखे हुए हैं, देखिए जरूरी नहीं है, हो सकता है आपको कभी भी गुरु मिल जाए, अभी भी मिल जाए आपकी, लेकिन जीवन जब तक है हमें पता है गुरु बिना तो ज्ञान होता नहीं है, लेकिन ज़रूरी है गुरु जान लेना, ढूंढ लेना ज़रूरी होता है। और दूसरी बात ये है, आप उस आप जो भी मालिका ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें जो भी बातें लिखा हुआ है उन उसको मानना ज़रूरी है, उसमें सब कुछ लिखा होगा। दास को इतना विश्वास है, जिन्होंने महापुरुषों ने जो पंचसखा लिखे हैं, हमारे बाबा जी आए थे पंचसखा के बारे में भी डिस्कस करते, दास को इतना पता नहीं, दास उड़ीसा जो भी ग्रंथ है इतना पढ़ा नहीं है, कोई भी पुराण शास्त्र इतना नहीं जानता है। दास जब मिशन में निरंकारी मिशन में आया तो दास को मालूम पड़ा भक्ति क्या है। दास तो पहले ऐसे सरप्राइज हो रहा था कि भगवान को भी जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, दास ऐसे क्वेश्चन भी किया। लगभग कितने साल हो गया दास को? देखिए दास 97 में ज्ञान लिया, 97 में, लगभग 25 साल कुछ हो गया, 7 आप हिसाब लगा लीजिए, जो भी होगा 3 साल है, ये भी 25 साल हो गया। बस ये सदगुरु माता जी की कृपा, साल गिनने से कुछ नहीं होता है, और हमारे अंदर गुण कितना आया वो देखना चाहिए। और दास कहता है जो निरंकारी मिशन में एक बच्चा, देखिए ज्ञान ले कि ज्ञानी होना सबसे बड़ी बात है, ज्ञान ले कि बैठ जाना चुप रहना ये ठीक नहीं है। और आज के जो बच्चा भी है ना निरंकारी मिशन में, एक बच्चा छोटा बच्चा ज्ञान ले कि अगर उसको ज्ञान का एहसास हो जाता है, ज्ञान को समझ लेता है, उसके अंदर भी निरंकार प्रभु बैठ के ऐसा बात करेगा, एक जो बोलते हैं ना 60-70 साल का जो वृद्ध जो बोलते हैं ना बुजुर्ग आदमी, वो भी नहीं कर सकता। दास ये दबा के साथ कहेगा, तुम बच्चे बच्चों की भक्ति दास देखा है इस मिशन में, इसलिए कह रहा है। दास माफ़ी चाहता है, कोई भूल चूक हो तो दास को क्षमा करना, और आगे भी सुमत बख्शना, सच्चे पासा कृपा करे कि हमारे अंदर ऐसे गुण आए, कभी मौका मिले आपके चरणों में बैठ की अगर कोई वीडियो बनाने का मौका मिले तो अच्छे वचन आए जो आपको अच्छा लगे, जो आपको भा जाए। दास यही कहेगा जो आपको अच्छा लगे, और जो दास यही कहेगा जो मेरी जो आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप निकाल देना अपने जीवन से, और जो आपको अच्छा लगा मेरे सतगुरु के बात समझ के आप ग्रहण कर लेना, दास यही कहेगा। बाकी आपके ग्रंथ में जितना भी मालिका ग्रंथ में जो भी अच्छी बात लिखा हुआ है उसको आपने अनुसरण करना और कर्म में भी लगाना, तो जरूर आपको एक दिन उसका फल मिलेगा, जरूर जरूर आपको आखिर वक्त तक उसका फल जरूर जरूर मिलेगा। दास यही कहे कि आपसे आशीर्वाद चाहेगा, इजाज़त चाहेगा, और क्या बात है, क्या जगन्नाथ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन निरंकार जी, जी जी बहुत बढ़िया, जय जगन्नाथ, धन निरंकार जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर जो है विचारधारा है मिशन का, और आपने बिल्कुल सरल भाषाओं में हमारे भक्तों के पास आपका संदेश पहुँचा है। तो फिर महापुरुषों ने पंच सखाओं ने लिखे हैं, ऐसे भी बहुत सारे सक्रिय आध्यात्मिक संस्थान जो पूरे भारत में ही नहीं समग्र विश्व में आध्यात्मिकता की प्रचार प्रसार करेंगे, उनमें से एक है निरंकारी मिशन। आज केवल हिंदुस्तान में ही नहीं समग्र विश्व में आध्यात्मिकता की झंडा उड़ा रहा है। तो फिर अभी आप सुन रहे थे मिशन की एक वरिष्ठ भक्त जो
कुवैत से अभी उड़ीसा आए हैं, हम उनके साथ बात किए क्या था मिशन का, क्या है मिशन का विचारधारा, क्या मिशन जो है समग्र विश्व को क्या संदेश देना चाहता है। तो जुड़े रहिए, कैसा लगा आज का ये एपिसोड कमेंट बॉक्स में आपका मत दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय जगन्नाथ, जय पंचका, धन निरंकार।